हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। हमने पिछले एक वीडियो में नालसा के बारे में बात किया हुआ था और हमने ये कहा कि नालसा का क्राउन ज्वेल अगर कोई है तो वो लोक अदालत है। तो इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लोक अदालत है क्या, या किस तरीके से काम करते हैं, इनके पावर्स क्या हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि लोक अदालत है क्या। द टर्म लोक अदालत मीन्स पीपल कोर्ट। जाहिर सी बात है, लोक माने पीपल, अदालत माने कोर्ट, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स पर बेसिस है। इट इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम एंड डिलीवर्स इनफॉर्मल, चीप एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस टू कॉमन पीपल। इनडायरेक्टली अगर मैं ये कह सकूँ कि कोर्ट तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट को जाने से पहले ही आपका डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हर बार डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन करने के लिए कोर्ट्स जाने की जरूरत नहीं है, कई अल्टरनेट रेजोल्यूशंस भी होते हैं, जैसे कि मिडिलमैन होते हैं, आर्बिट्ररीज होते हैं, आर्बिट्ररी काउंसिल्स होते हैं, एनजीओस होते हैं अलग अलग। तो इस तरीके से एक और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक सिस्टम है जिसे लोक अदालत कहते हैं। तो लोक अदालत दरअसल एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको स्पीडी डिस्पोजल मिलता है, जहां पर आपको स्पीडी जस्टिस मिलता है। द फर्स्ट लोक अदालत कैंप वॉज ऑर्गेनाइज इन गुजरात इन 1982 एज अ वॉलेंटरी एंड कंसिलिएटरी एजेंसी विदाउट एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर इट्स डिसीजन। अभी तक जो है वो स्टैट्यूटरी बैकिंग इसे नहीं दिया गया था, यानी कि 1982 में, लेकिन गुजरात में एज अ मॉडल जो है पहली बार लोक अदालत बिठाए गए थे एज अ वॉलेंटरी एंड कंसिलिएटरी एजेंसी। इट वॉज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। नालसा, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है लोक अदालत विच वर्क्स अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। ऑर्गेनाइजेशन, आइए जानते हैं कि इसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और ये काम किस तरीके से करता है। द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और तालुक लीगल सर्विस कमिटीज मे ऑर्गेनाइज लोक अदालत एट सच इंटरवेल्स एंड प्लेसेस एंड फॉर एक्सरसाइजिंग सच ज्यूरिसडिक्शन एंड फॉर सच एरियाज एज इट थिंक फिट्स। देखिए, जहाँ कहीं पर भी ज़रूरत हो, जहाँ कहीं पर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की लोक अदालत की, वहाँ पर इन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। चाहे वो नालसा हो, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो, डिस्ट्रिक्ट हो, तालुक हो, जो फोर अलग अलग टायर्स जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जो है, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी जो है वो पावर दिया गया है कि वो लोक अदालत को बिठा सकते हैं जहाँ कहीं पर भी ज़रूरत हो पूरे देश में। Every लोक अदालत organized for an area shall consist of such number of serving or retired judicial officers and other persons of that area as may be specified by the agency organizing। जो कोई भी ऑर्गेनाइज इसे कर रहा है, जो कोई भी एजेंसी, जैसे कि स्टेट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो, तो वहाँ पर जो लोकल एरियाज इन्फ्लुएंशियल पर्सनस जो होते हैं, जो जुडिशियल नॉलेज रखते हैं, अगर नहीं भी हो लेकिन जो जो खासकर रिकन्सिलिएशन प्रोसेस में बहुत मददगार होते हैं, जो NGOs होते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर वो वॉलेंटरी काम करना चाहते हैं तो उन्हें भी इस बोर्ड का मेम्बर बनाया जाता है, यानी कि लोक अदालत के उस मेंबरशिप जो है उन्हें दी जाती है। जनरली लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर एज अ चेयरमैन एंड अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर एज अ मेंबर। ये बहुत बड़े नहीं होते, दो या तीन या एटमोस्ट मैक्सिमम चार या पांच लोग लोक अदालत के मेंबर्स होते हैं जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करते हैं। छोटे छोटे जो पेटी केसेस होते हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं और उसे रिजोल्व किया जाता है। तो मेनली एक जुडिशियल ऑफिसर, यानी कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज या फिर कोई भी मुंसिफ कोर्ट के जज जो है वो चेयरमैन बन जाते हैं, बाकी कोई एक सीनियर एडवोकेट जो है वो मेंबर होते हैं और कोई सोशल वर्कर या फिर किसी एनजीओ के मेंबर को जो है मेंबर बना दिया जाता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अलॉन्ग विद अदर लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट लोक अदालत। जैसा कि पिछली वीडियो में भी बात की हमने, यहाँ पर भी बात की कि नालसा या फिर जो अलग अलग स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज होते हैं वो कंडक्ट करते हैं लोक अदालत को। द लोक अदालत शैल हैव द सेम पावर एज वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट। जैसे कि मैंने कहा कि क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है, जो कोई भी क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है उसके जजमेंट्स को एक सिविल कोर्ट के जजमेंट का दर्जा दिया जाता है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर दैट इज 1908। तो जैसे कि मैंने कहा कि क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज है, इसके जजमेंट्स वैलिड होते हैं और इसके जजमेंट्स जो है वो एक सिविल कोर्ट का दर्जा रखते हैं, सिविल कोर्ट के जजमेंट का दर्जा रखते हैं। फर्दर अ लोक अदालत शैल हैव द रिक्विजिट पावर टू स्पेसिफाई इट्स ओन प्रोसीजर फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट कमिंग बिफोर इट। अगेन, ये जो है IPC या CRPC एविडेंस एक्ट वगैरह से बांधा हुआ नहीं है, नेचुरल जस्टिस का सिस्टम ही इस्तेमाल कर सकता है स्पीडी डिस्पोजल के लिए, अपने खुद के प्रोसीजर से बना सकता है। कोर्ट्स के बारे में जैसा कि हमने कहा कि एक स्पेसिफिक तरीका फॉलो करते हैं, एक टाइप होता है, एक लॉ एक्ट के प्रकार ही वो काम करते हैं, लेकिन नालसा या फिर लोक अदालत पर ये किसी भी तरीके का मैंडेटरी नहीं रखा गया है, वो खुद के अपने प्रोसीजर्स बना सकते हैं।
An award of Lok Adalat shall be deemed to be a decree of a civil court or an order of any other court. Every award made by Lok Adalat shall be final and binding on all the parties to the dispute. No appeal shall lie in any court against the award of the Lok Adalat. देखिए कितना powerful एक body होगा कि Lok Adalat में जो judgment दिया जाता है, amicably जो resolve होने के बाद जो judgment देता है, वो किसी भी court में आप appeal नहीं कर सकते. एक civil court के decree का वो दर्जा रखता है. There is no court fee, or if the court fee is already paid, the amount will be refunded if the dispute is settled at Lok Adalat. कोई भी fees नहीं ली जाती Lok Adalat में dispute settlement के लिए. अगर dispute settle हो जाता है, जो कोई भी fees आपने court में या फिर अलग अलग जगहों पर बनी हुई है, उसे refund किया जाएगा. There is procedural flexibility and speedy trial of the disputes. बिल्कुल इसी के लिए तो Lok Adalat famous है कि वो अपने खुद का procedure बनाते हैं, तभी जो है speedy disposal होता है cases का. There is no strict application of procedural laws while assessing the claims by Lok Adalat. They are not bound by the specific laws, जैसे कि IPC, CRPC, Evidence Act के तहत जो courts काम करते हैं, इन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये natural rights के तहत काम करते हैं. The parties to the dispute can directly interact with the judge through their counsel, which is not possible in regular courts of law. यहाँ पर another most important aspect जो है, जब dispute resolution चल रहा है या फिर dispute पर काम किया जा रहा है, तो judge जो of course वहाँ पर chairman की तरह होते हैं, directly जो parties होते हैं वो judge से interact कर सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं, लेकिन ये courts में नहीं चलता. आम जो कन्वेंशनल कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर हर हाल में आपको एक लॉयर चाहिए, यानी कि एक मिडिलमैन चाहिए जज और पिटिशनर के बीच. यहाँ पर इस तरीके से मिडिलमैन कोई भी नहीं होता, लॉयर या एडवोकेट की ज़रूरत नहीं होती. डायरेक्टली आप अपने काउंसिल के द्वारा जज से ही डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपनी सोच अपनी राय रख सकते हैं. तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी लोक अदालत के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.